नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में MotoG 52 वर्सेस MotoG 71 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो MotoG 52 में 6.33 इंच जबकि G71 5G में 6.34 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो MotoG 52 में 2.93 इंच जबकि G71 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि MotoG 52 से कम है। बात करें थिकनेस की तो MotoG 52 में 0.31 इंच जबकि G71 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि MotoG 52 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो MotoG 52 में 169 ग्राम जबकि G71 5G में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि MotoG 52 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो MotoG 52 में जबकि G71 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो MotoG 52 में 6.6 इंचेस जबकि G71 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो MotoG 52 में 87.85% जबकि G71 5G में 83.18% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो MotoG 52 में 399 पिक्सल प्रति इंच जबकि G71 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो MotoG 52 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और G71 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो MotoG 52 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G71 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो MotoG 52 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और G71 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो MotoG 52 में Adreno 610 जबकि G71 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो MotoG 52 में Qualcomm Snapdragon 680 और G71 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो MotoG 52 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि G71 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो MotoG 52 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि G71 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो MotoG 52 में अप टू 1TB जबकि G71 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो MotoG 52 में Android V12 जबकि G71 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Moto G52 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें G71 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Moto G52 में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G71 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।